या जीएस का और बाकी के जीएस पार्ट और ऑप्शन में जुड़ना चाहते हैं तो कृपया करके आप हमें मैसेज कर सकते हैं सेवन सेवन जीरो नाम ई मेल आई डी और किस सब्जेक्ट में आपको एनरोल होना है आप सेंड कर सकते हैं याद रखिएगा है कि हमने ये कोर्सेज इस तरीके से स्ट्रक्चर किए है हैं जो आपको विद इन नो टाइम कंप्लीट हो और इनकी फी जो है वो बहुत ही कम रखी गई है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा ये कम्युनिटीज को क्रिएट करवा पाए हर सब्जेक्ट के लिए अलग एजुकेटर्स हैं और जिनका अपना एक्सपर्टीज होंगी जो अपने डोमेन में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे उम्मीद है कि आपका फीडबैक भी बहुत अच्छा मिलेगा मेरी क्लासेस आपको करंट अफेयर्स की डेली इसी यूट्यूब चैनल पे भी मिलेंगी और अभी मैं एनसीआर का बैच भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैंने आपसे इससे पहले भी कहा था कि जितने बच्चे भी हमारे बैच में जुड़ना चाहते हैं जो ऑलरेडी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जो हमारे क्लासेस लेना चाहते हैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपना मैसेज सेवन जीरो जीरो थ्री नाइन जीरो भेजिएगा क्योंकि हम जब तक को क्रिएट नहीं करेंगे तब तो तक नहीं आपको कुछ भी नहीं करना है अपना नाम, अपना नाम और आप old और हैं जो लेना चाहते आप प्लीज सेंड कर दीजिएगा ये क्लासेस हमारे अपने पोर्टल पे होंगी जहां पे जूम बेसड क्लासेस होंगी यहां पे पूरा आपको एक्सेसिबल मिलेगा मटेरियल्स आपको हमारी ओर से मिलेगा नोट्स आपको कंप्लीटली फ्री मिलेंगे एक मिनिमल चार्जेस रखी जाएंगी जो चार्जेस आपको Uh, के थ्रू आप अपने इंडिविजुअल सब्जेक्ट को भी कंप्लीट कर सकते हैं और डेफिनेटली एक सबसे अच्छी चीज है कि जिन बच्चों के कुछ सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं और पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट के लिए वो डिमांड कर रहे हैं वो भी मिलेंगे करेंट अफेयर की क्लासेस आपके लिए बिल्कुल फ्री रहेंगी उनके लिए कोई भी चार्जेस नहीं है सो so, जितने भी ओल्ड और न्यू स्टूडेंट्स हैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप ग्रुप के अंदर टेलीग्राम के ग्रुप में एड हैं भी फिर भी आपको व्हाट्सअप ग्रुप पे अपना नाम अपना ईमेल आईडी और अपना सब कुछ लिख के जो है सब्जेक्ट कौन सा है वो भेज सकते हैं और आप कौन सा अटेम्प्ट दे रहे हैं प्लीज वो सेंड कर दीजिएगा अच्छा अगर आप पहली बार इस बैच में जुड़े हैं और इस यूट्यूब चैनल पे आज आप पहली बार आए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले यूपीएससी एग्जाम ग्रुप आउट बाय सुहेल तुर्की के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए और प्लीज काइंडली हिट दे बेल आईकॉन सो दैट यूल नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द अपकमिंग क्लासेस और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है और इस टेलीग्राम चैनल पे आप सब जुड़ सकते हैं ये टेलीग्राम चैनल जो है हमने बिल्कुल ओपन रखा है आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द ग्रुप्स जो हैं वो क्लोज रहते हैं यहाँ पे आप डिस्कशन कर सकते हैं आप अपने नोट सेंड कर सकते हैं आपकी कोई भी क्वेश्चंस हैं डायरेक्टली मेरे से आप बात कर सकते हैं यहाँ पे जितना मेरे से हो सकता है मैं आपकी हेल्प करूंगा अभी हमारे टारगेट जो है वो तो या तो ट्वेंटी के लिए ट्वेंटी ट्वेंटी के लिए जो बच्चे प्रिपेयर हो रहे हैं सो आप कभी भी किसी भी समय आप मुझे मैसेज कर सकते हैं आपसे सिर्फ इतनी रिस्पेक्ट रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को इस ग्रुप को प्लीज बहुत ही रिस्पेक्टफुल मैनर में वही मैसेज भेजें जो आपको लगता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है और नोट्स बुक्स आपको यहाँ पे सारी मिल जाएंगी आज फिर से आपके साथ जुड़ा हूँ करंट अफेयर्स आई होप आप सब जानते होंगे द हिंदू की न्यूज पेपर में एक बहुत बड़ा आर्टिकल और न्यूज दो तीन चार दिनों से यही चल रही है दैट द हिंदी लैंग्वेज एंड इट्स आइडेंटिटी ये जीएस हिस्ट्री और इंडियन सोसाइटी के पार्ट में से जुड़ेगा यानी हम ये कह सकते हैं कि जीएस वन का हम लोग आज पूरी तरीके से पढ़ेंगे जीएस वन में आपको याद होगा कि एक तो आपकी इंडियन सोसाइटी आती है और फिर उसके साथ आपका हिस्ट्री भी आता है तो एक न्यूज से आप दो चीजों के सब्जेक्ट को क्लियर कर सकते हैं अब रिसेंटली आपने सुना होगा कि कुछ गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ ये कहा गया कि हमें जो है वो हिंदी को कंपलसरी करना पड़ेगा और ये जो कंपल्सरी वर्ड यूज किया गया है ये आठ नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर जो है इंप्लीमेंट करने की बात की गई कुछ साउथ साइड में भी करने की तो कुछ एक इश्यू बन गया और उसमें ये कहा गया कि हिंदी जो है उसकी एक आइडेंटिटी जो है वो अब कम हो रही है तो हम उसको प्रमोट करना चाहते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हिंदी बोल पाए अब इसमें हम सब जानते हैं कि इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाती है हम फोर्थ नंबर पे हैं इंडिया में अगर आप देखिए बात करेंगे तो हिंदी फोर्थ नंबर पे है जो सबसे ज्यादा वर्ल्ड में बोली जाती है जिसमें चाइनीज हो गई स्पेनिश हो गई इंग्लिश हो गई फिर उसके बाद हिंदी भी है इसके बारे में भी बात करेंगे कि क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ये जो मूव जो गवर्नमेंट ने लिया है वो सही है कि नहीं लेकिन सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा कि हिंदी इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सटेंसिव स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड एंड वी ऑल नो दैट इट बिलोंग टू द इंडो आर्यन एंड इट इज अ डिवीजन ऑफ द इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अगर देखेंगे इसका कनेक्शन जो है वो संस्कृत के साथ जुड़ता है अब सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपने बच्चों को एक बैकग्राउंड देना चाहता हूं ताकि आप हम इस करंट न्यूज को जरा समझ पाए लेकिन न्यूज समझने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड की ओर लेना चाहता हूं कि जब हम वर्ड हिंदी यूज करते हैं एच आई एन डी आई हिंदी हिंदी आप समझिएगा इस वर्ड को बेसिकली सबसे पहले इंडिया के अंदर जो यूज किया गया था वो पर्शियन के लोग थे अब यहाँ पे ये वर्ड जो है ये पर्शियन से लिया गया है पर्शियन बेसिकली जो एग्जैक्ट वर्ड है वो है हिंद और उस समय जो पर्शियन के लोग हुआ करते थे वो इसको हिंद कहा कहते थे हिंद का सिंपली मीन उनका कहने का मतलब ये था कि वो लोग जो लैंड ऑफ द इंडस रिवर के इर्द गिर्द रहते हैं उनको हिंद कहा जाता है और बाद में ये नाम फेमसली एक वर्ड जो बना वो हिंदुस्तान के नाम से भी बन गया हिंदी के नाम से भी बन गया लेकिन जो सबसे बड़ी एक कॉन्ट्रीब्यूशन uh, आई और एक चेंज जो हमें देखने को मिली बेटा ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा ये चेंज आई फोर्टीन ऑफ बेसिकली इस दिन हम लोगों ने द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट द हिंदी लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज को एक्सेप्ट किया था एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज तो ये डेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी और याद करिएगा आज भी हम 14 सितंबर जो डेट है वो हम हिंदी डे के तौर पे मनाते हैं जो कि बहुत अच्छा है ना होपफुली आप लोग ये बैकग्राउंड थोड़ा सा जानते भी होंगे लेकिन न्यूज ये भी नहीं है लेकिन मैं चाहता हूं कि बैकग्राउंड किसी भी न्यूज को पढ़ने से पहले अब मैं थोड़ा सा इसका पॉलिटी भी अगर आपको बता दूं तो पॉलिटी के हिसाब से पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से अगर देखेंगे तो अगर आप पार्ट सिक्सटीन ऑफ द पार्ट दिक्सटीन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे अब ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है वो भी जरा देख लीजिएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कि ये हमारी एक पार्ट सिक्सटीन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक अबाउट द ऑफिशियल लैंग्वेज यानी ऑफिशियल लैंग्वेज की बात हमारे पार्ट सिक्सटीन में की गई है और उसमें क्या कहा गया कि under the article 343, article है कि अंडर द आर्टिकल थ्री हंड्रेड एंड फोर्टी थ्री ये आर्टिकल है कि द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन हैज बीन अप्रूव हिंदी इन अ देवनागरी स्क्रिप्ट एंड इंग्लिश ये बात बड़ी क्लियर है या पॉलिटी के पॉलिटिकल से देख लीजिएगा इसी में एक चीज और ऐड की गई कि हिंदी बिकेम द ओनली वर्किंग लैंग्वेज ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट इन नाइनटीन हंड्रेड एंड सिक्स यानी ये हमारी वर्किंग लैंग्वेज भी बन गई अब सवाल ये देखिए अगर आप थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड भी देख लीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि हिंदी जो है वो फोर्थ नंबर पे है जो सबसे ज्यादा बोली जाती है श्रीलंका यूनाइटेड अरब अमेर सिंगापुर ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान न्यूजीलैंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में सबसे ज्यादा जो है वो हिंदी बोली जाती है अब बिहार जो है बिहार ये पहली स्टेट है जिन्होंने हिंदी को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज जो है एक्सेप्ट किया रिप्लेस किया था उर्दू को उर्दू को निकाल के उन्होंने हिंदी को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज रखा अच्छा इनकी पहली बुक जो हिस्ट्री सॉरी इन हिंदी इन 1805 प्रेम सागर नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रेम सागर जी uh, जिन्होंने एक बुक पब्लिश की थी प्रेम सागर और ये बुक जो पब्लिश की थी ये की थी लालू लाल लालू लाल पब्लिशेड इन्होंने ये बुक एक पब्लिश की थी 1805 में ये इसका एक थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है लेकिन अब असल में जो न्यूज है जरा वो देख लीजिए ये, ये ये जरा इंपॉर्टेंट है अब ये है कि बेसिकली इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है नॉर्थ एंड ईस्टर्न स्टेट लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन आ चुकी है ये कंफ्यूजन क्या है और मैं चाहता हूं कि आप जरा इसको बड़े अच्छे परस्पेक्टिव में समझेगा प्लीज काइंडली आप अपने नोट्स और ये सारा लिखने की जरूरत भी नहीं है अब माइंड मैप बना के क्योंकि मुझे सेंड भी करेंगे इन द द न्यूज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली प्रोवाइडेड द हिंदी अब ये वर्ड जरा मेरे लिए इंपॉर्टेंट भी है और आप थोड़ा सा इसको जो की वोर्ड है ना ये एक वर्ड जो की बनेगा ये मेंस का क्वेश्चन बनेगा हिंदी मीर ए कंपल्सरी अब ये वर्ड थोड़ा सा दिक्कत देगा आपको और ये इन्होंने क्लास टेंथ एट और यही वर्ड हमारे लिए की है नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट यानी ये सिंपल सी बात है हिंदी कंपलसरी कर दी जा रही है आठ नॉर्दर्न स्टेट्स के अंदर अब जब मैं नॉर्दर्न स्टेट्स की बात करता हूं बेटा तो नॉर्दन ईस्टर्न स्टेट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इंडिया की अब नॉर्दर्न स्टेट्स के बारे में बात करिए अब जब अब इंडिया की नॉर्दन ईस्टर्न स्टेट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हिंदी बोलना थोड़ा सा मुश्किल है मुश्किल नहीं है थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है क्योंकि इन लोगों के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन भी रहता है ईजिली uh, बोल नहीं पाते हैं और इंडिया के अंदर क्योंकि हर एक रीजन की अपनी अपनी लैंग्वेज है तो आठ स्टेट के लिए मुश्किल आने वाली है अब ये आठ स्टेट्स अगर आप देखेंगे तो इसमें आप एक तो अरुणाचल प्रदेश एपी ले लें एपी के बाद आसम ले लें एसएम के बाद मणिपुर मणिपुर के बाद मेघालय मेघालय के बाद मिजोरम मिजोरम के बाद नागालैंड नागालैंड त्रिपुरा त्रिपुरा के बाद सिक्किम तो ये एरिया जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं बेटा जरा इन एरिया की जरा थोड़ी सी मैं बात ज्यादा एक्चुअली डीपली नहीं जाना चाहता हूँ ये एक आ, आ, काफी लंबा हो जाएगा मैं क्योंकि उतना यूपीएससी ने नहीं पूछा ऑफिशियल लैंग्वेज अगर आप देखेंगे तो कोई एस बोलता है कोई बंगाली बोलता है कोई बोडू बोलता है कोई कार्वी बोलता है कोई गोरू बोलता है कोई खासी बोलता है मीसू बोलते हैं नागमजी बोलते हैं आप तानी हो गया गालो आदि मीती नेपाली इंग्लिश ना हिंदी यानी यहाँ पे आप जब भी जाएंगे इन नॉर्थ एंड ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर तो आपको बहुत अलग अलग लैंग्वेज मिलेंगी इनका अपना एक एथनिक स्टेट्स है अपना कंसेप्ट है बड़ा अलग सा एक Language perspective के के तौर पे ये ये लिए तो मुश्किल होने वाली है मैं थोड़ा सा आपको ये दे अगर इन नॉर्थ एन ईस्टर्न स्टेट्स की सर अपनी एक लैंग्वेज है और उस लैंग्वेज के ऊपर अगर थोड़ा सा हम लोग भी कुछ करते हैं अब कल्चर के तौर पर देख लीजिए जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अरुणाचल प्रदेश को देखता हूँ तो अरुणाचल प्रदेश के अ काफ़ी अगर आप कभी गए भी हो तो उनका एक अपना एक कल्चर जो है खाने पीने का तरीका जैसे राइस ज़्यादा खाते हैं फिश मीट हो गया और उनके अपने पॉपुलर डिश भी हैं और ज़्यादातर अरुणाचल प्रदेश के अंदर लैंग्वेज भी थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलेगी एसएम के अंदर चले जाएं तो राइस हो गया अलग अलग उनके कल्चर हैं एसामीज बोला जाता है तो एक कल्चर को आप थोड़ा सा ये कर रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं कि वो आपको एडॉप्ट कर लिया जाए अब ये क्योंकि कंपल्सरी वर्ड वो यूज हुआ हिंदी इज एज द लैंग्वेज ऑफ इंडिया ये बात बिल्कुल क्लियर है और इस पर किसी को भी कोई दो राय नहीं होगी कि हमारी हिंदी लैंग्वेज हमारी पहचान है लेकिन हव लेकिन ये बात भी तो हमें माननी पड़ेगी ना सर कि द मूव हैज बीन मैथ प्रोटेस्ट बाई वेरियस ऑर्गेनाइजेशन इन द नॉर्थ एंड ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए ये वाली चीज थोड़ा डायजेस्ट करना या मानना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है क्योंकि बहुत सारे इवन दो साउथ इंडिया के अंदर में भी क्रिटिसाइज किया गया इनस्टिड कि हम लोग एक कंपलसरी वर्ड यूज कर रहे हैं हम ये कर सकते थे कि दीस ग्रुप ये पहले से ही थ्री लैंग्वेज पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर रहे हैं दैट इंक्लूड इंग्लिश हिंदी एंड द लोकल लैंग्वेज और ये मानते भी हैं अब इनके लिए जरा यह बहुत इंपॉर्टेंट है अब इंग्लिश ले लीजिए हिंदी ले लीजिए और लोकल लैंग्वेज ले लीजिए इसका मतलब है कि मल्टी लैंग्वेज सिस्टम लगाते है. अब इनको अगर हम हिंदी बोल दें कंपलसरी कर दें तो ये एक डिफिक, अब सवाल आपका ये भी होगा कि सर इनको क्या प्रॉब्लम है अगर हम कंपलसरी ये क्वेश्चन मन में आपका आएगा लेकिन प्रॉब्लम है बेटा प्रॉब्लम ये है कि फिर इनका अपना कल्चर जो है वो डिफ्यूजन में चला जाता है जब मल्टीपल कल्चर आप किसी पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर डाल देते हैं तो डिफ्यूज होने का अपने कल्चर को अपने कल्चर खतरे में आ जाता है तो ये एक प्रोटेस्ट चल रहा है Hopefully आपने भी देखा होगा मैं नहीं चाहता हूं कि आप फिर वो ही की सुनें। आप वो बात करें पोस्ट इंडिपेंडेंस के अंदर कुछ चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ी भी है वाई आर दॉन ईस्टर्न ऑर्गेनाइजेशन आर्ग्यूमेंट्स क्या है उनका पहली बात तो आपको ये मानना है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है ये पहला पॉइंट बिल्कुल Uh, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक जो कंसेप्ट आया कंपलसरी का उससे बिल्कुल अलग है ये कहते हैं कि स्टेट प्रोटेक्ट करेगा बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सिक्स शेड्यूल एंड द सेंटर वुड बी अनएबल टू इम्पोज हिंदी ऑन स्टूडेंट्स आप बिना पूछे बिना ऐसे किए इम्पोज नहीं कर सकते बिल्कुल फ्रीडम है तो ये पॉइंट बिल्कुल इस बात को अलग करता है कि आप जबरदस्ती नहीं कर सकते नीचे जरा पॉइंट को जरा समझिए

उनके लिए जो हिंदी नहीं बोलते हैं और उनके लिए जो हिंदी बोलते हैं उनको फायदा है जबकि हम मानते हैं कि अपॉर्चुनिटीज इक्वल अपॉर्चुनिटी शुड बी प्रोवाइडेड टू एवरी वन विच इज रिटर्न कंप्लीटली इन द कॉन्स्टिट्यूशन और इवन दो ये ज्यादा खतरनाक हो सकता है बिकॉज बिकॉज इट विल अलो देम टू कंट्रोल द नॉन हिंदी स्पीकिंग वेन यू स्पीक हिंदी वेरी वेल वेन यू हैव ए गुड कमान You can control those कैन कंट्रोल दो नॉन aapko स्पीकर बिकॉज यू फील लाइक आपको पावर आ जाएगा so, the of the country, there will be a clash. So hopefully आप इसको थोड़ा कानूनी तौर पर देखें संविधानिक तौर पे देखें तो ये प्रोसेस थोड़ा बहुत गड़बड़ लग रहा है अब इसके ऊपर बहुत सारे लोग अलग अलग चीजें अलग अलग कंसेप्ट अभी छह दिन से ये न्यूज चल रही है मुझे उम्मीद है इसको पढ़ने के बाद आपको फिर से कुछ और चीजें ऐड करने की जरूरत नहीं इट इज मोर देन इनफ एंड आई एम डैम श्योर अबाउट इट इन 2022 ट्वेंटी टू और ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री देर विल बी ए क्वेश्चन फ्रॉम द मेन परस्पेक्टिव अब मैं आपके लिए थोड़ा पोस्ट इंडिपेंडेंट ये पूरा पार्ट मैंने पोस्ट इंडिपेंडेंस से निकाला है हम बैकग्राउंड में जाके देखेंगे कि हम सही पढ़ रहे हैं या नहीं पहली बात आप ये मान के चलिए क्या प्रॉब्लम हो सकती है आपको याद होगा कि इंडिया का जो यूनिफिकेशन हुआ था जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया और पीटी जवाहरलाल नेहरू थे रीऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना उसमें हमने क्लियर कहा था इन द इंडियन द मेजोरिटी ऑफ स्टेट वे फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज हम सब जानते हैं कि भारत को हम लोगों ने लैंग्वेज के आधार पर बनाया था तो जब हमने बना दिया है तो फिर हमें इवन दो उस समय ये वादा किया गया था कि आपके कल्चर आपकी लैंग्वेज आपके रिलीजन आपकी हर एक चीज को प्रोटेक्ट किया जाएगा क्योंकि इंडिया वॉज डिवाइडेड मोर देन स्मॉल सिटी स्टेट्स और हमें या, मुझे याद याद मुझे है कि मैंने अपनी क्लास में भी आपको बताया था कि उस समय जो बहुत ज्यादा माइनॉरिटीज के ग्रुप थे और प्लस ट्राइबल ग्रुप्स थे तो उनके साथ वादा किया था कि आपके कल्चर को प्रोटेक्ट किया जाएगा अब अगर हम कंपलसरी कंपेलशन के तौर पे उनको फोर्सफुली ये कह रहे हैं तो शायद हम पोस्ट इंडिपेंडेंस का वो पार्ट भूल रहे हैं तो पॉइंट क्लियर हो जाता है इसके साथ एक और चीज है कि अगर आप ये कंपलसरी कर भी रहे हैं तो देर विल बी अ अन्फ्लिक्ट ओवर आइडेंटिटी पर्टिकुलरली ओवर लैंग्वेज और हमने ये इसलिए किया था हम नहीं चाहते थे कि लैंग्वेज के आधार पर कोई लड़ाई हो आइए जरा सेकेंड पॉइंट याद करिएगा लैंग्विस्टिक डिविजन एग्जाम्पल के तौर पर पास्ट में हम लोगों ने बहुत लड़ाइयां देखी है स्टेट अब मान लीजिए कि किसी स्टेट के अंदर 40 परसेंट हिंदी है 60 परसेंट इंग्लिश है या कुछ भी है तो ये डिवीजन हो जाएगा फिर दो स्टेट बनानी है तो इसलिए इसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा हम और स्टेट्स नहीं बना सकते आंध्र प्रदेश की बात कर लीजिए बेस्ट एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेट जो है वो लैंग्वेज बेसिड पे बनी फिर पंजाब गुजरात इन सबको हमने स्टेटहुड जो डिमांड की वो पे हुई थी अब हमारे पास एक और पॉइंट था याद करिएगा पोस्ट इंडिपेंडेंट में लैंग्वेज पॉलिसी जो बनी थी बाई अप्रोच बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट दैट टाइम दे बेसिकली केम अप विद दैट शुड बी नो कॉन्फ्लिक्ट रिजल्ट स्टेट एटोनॉमी ओवर लैंग्वेज पॉलिसी कैन बी मोर वैल्यूबल ऑप्शन और हम आज भी ये मानते हैं कि हम जितनी लैंग्वेज बोल सकते हैं फ्रीडम है ताकि हम अपने देख बिकॉज राइट नो वी आर इन द ग्लोबलाइजेड ग्लोबलाइजेड वर्ल्ड यू आर इन द ग्लोबलाइजेशन सो देयर शुड बी नो रिस्ट्रिक्शन इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन इन टर्म्स ऑफ अ लैंग्वेज अ पर्सन कैन स्पीक हिंदी इंग्लिश फारसी संस्कृत जो भी पढ़ना चाहता है बट ये ऑफकोर्स वी रिस्पेक्ट हिंदी वी रिस्पेक्ट संस्कृत बिकॉज ये भारत की पहचान है बट यू कैन नॉट फोर्स कि वो उसको कंपलसरी करके देर विलेश वायलेंस ये मैंने पोस्ट इंडिपेंडेंस की रियलिटी आपको बताई कि पीछे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बैकग्राउंड क्या बोलता है आइए अगला पॉइंट जरा देख लीजिए जब इश्यूज बहुत ज्यादा होने लगे थे इंडिया के अंदर तो हमने थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला बनाया और ये फॉर्मूला देने के पीछे कोथारी कमीशन का बहुत बड़ा हाथ था मैं बेसिकली चाहूंगा कि मेरे बच्चे आज कोथारी कमीशन के बारे में एक छोटा सा नोट बनाएंगे नोट बनाने के बाद वो सेंड भी कर दें अब ये कोथारी कमीशन के बारे में थोड़ा सा मैं पहले बैकग्राउंड बताता हूँ बेसिकली इसको कोथारी कमीशन के नाम से भी आप जानते हैं या फिर आप इसको सीधा न्यू नेशनल एजुकेशन कमीशन भी कह सकते हैं पॉपुलरली कोथारी कमीशन के नाम से बड़ा मशहूर हुआ था और कोथारी कमीशन के अंदर जो सबसे बड़ी बात की गई थी वो ये था स्कृत एज वेल एज इंटरनेशनल dolat डॉक्टर दौलत सिंह कोथारी के नाम से ही मशहूर है तो आप ये याद कर लीजिएगा और ऑफिशियल नाम इसका नेशनल एजुकेशन कमीशन 1964 के अंदर फिर बाद में इंट्रोड्यूस जो है वो लेट हुआ रिपोर्ट सबमिट की गई 1966 के अंदर फिर इंप्लीमेंट हुई 1968 के अंदर इसमें टोटल सत्रह मेंबर रखे गए थे तो ये कुछ चीजें थी जो आपको उस समय इसका मेन एम यही था कि लैंग्वेज बैरियर ऑब्सिकल को खत्म किया जाए अब अकॉर्डिंग टू दे दौलत सिंह और या कोथारी साहब जो उस समय जो उन्होंने कमीशन उनके अंडर बना उन्होंने एक वर्ड बड़ा अच्छा यूज किया ये पढ़िए इट विल बी द मदर टंग आर ए रीजनल लैंग्वेज एज ए फर्स्ट लैंग्वेज वही हम भी चाहते हैं अब इसमें कहीं पे मेंशन हिंदी वर्ड नहीं हुआ था सेकेंड लैंग्वेज जो होगी वो कोई भी हो सकती है वो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज हो सकती है या इंग्लिश विल बी यूज क्योंकि हिंदी स्पीकिंग अगर स्टेट है तो वहां पे और कोई यूज कर दीजिए अगर नॉन हिंदी स्पीकिंग है तो वहां पे हिंदी को लेके आइए तो क्रॉस जिसको क्रॉस सेलिंग कहते हैं यानी एक स्टेट में अगर हिंदी बोली जाती है तो और कुछ इंट्रोड्यूस करो और जहां पे हिंदी बोली जाती है वहां कुछ और इंट्रोड्यूस कर दो थर्ड लैंग्वेज इंग्लिश या फिर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज भी, भी यूज इससे क्या होगा कि एक मल्टी लैंग्वेज कल्चर एक मल्टी लैंग्वेज कंट्री बन सकती है मेन गोल उनका था टू प्रमोट ये देखिए ये था उनका मल्टी लैंग्विज्म हम चाहते हैं कि भारत के अंदर एक नहीं बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाए और इससे एक चीज बड़ी अच्छी होगी कि लोगों के अंदर प्यार मोहब्बत बढ़ेगा नेशनल हारमोनी आ जाएगी अकॉर्डिंग टू द कोथारी रिपोर्ट लर्निंग लैंग्वेज इज ए इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ चाइल्ड कोर्गनेटिव डेवलपमेंट बचपन में अगर आप देखते हैं सेकेंडरी लेवल की सेकेंडरी स्टेज की बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट शुड द थ्री लैंग्वेज फॉर्मुला सो so, मैं चाहूंगा कि मेरे बच्चे माइंड मैप बना के कोथारी कमीशन की एक रिपोर्ट को अच्छे से पढ़ें और उसमें वैसे कोथारी कमिशन की रिपोर्ट में उन्होंने बहुत सारी अलग अलग चीजों को आपको सिर्फ लैंग्वेज के ऊपर फोकस करना है अच्छा उसमें यह बताना है कि आपको वैसे मैंने ये लिख दिया इससे ज्यादा तो उन्होंने बोला भी नहीं है फिर भी अगर आप चाहेंगे तो आप एक बार पढ़ के उसको देख लीजिएगा और मैं कोशिश करूंगा कि आप थोड़ा सा बना के ना बड़ा अच्छा जैसा एक माइंड मैप मुझे सेंड कर दीजिएगा ग्रुप के अंदर और ये क्वेश्चन इस बार बनने वाला है आप ये यकीन मानिए ये क्वेश्चन आपसे क्योंकि बहुत पिछले एक हफ्ते से ये न्यूज में चल रहा है लेकिन इंटेलेक्चुअल बच्चा भले अलग तरीके से आंसर आप यहां पे भी थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला की बात है फिर वो हिंदी है फिर वो इंग्लिश है फिर वो आपकी रीजनल लैंग्वेज है और मुझे ये लगता है कि दिस इज द बेस्ट बिकॉज इट्स अ बैलेंस अप्रोच अपार्ट फ्रॉम अ हिंदी एंड इंग्लिश हिंदी स्पीकिंग स्टेट जितनी भी है इट इंक्लूड द स्टडी ऑफ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज कोई भी साउथर्न लैंग्वेज साउथ साइड में चले जाइए हिंदी शुड बी स्टडी विद रीजनल लैंग्वेज अब यहाँ पे वो खेद कह रहे हैं कि यार कुछ रीजनल लैंग्वेज को भी ऐड कर लीजिए इन इंग्लिश इन द नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट सिंपल हर कोई सीख लीजिए अब प्रॉब्लम इसमें ये है कि इंप्लीमेंटेशन करने में थोड़ा सा दिक्कत है देखिए हर एक कमीशन को अगर देखेंगे तो इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम होती है

एंड हम मैंने मैंने बार बार कहा कि हम नहीं चाहते हैं कि देश के अंदर बंटवारे तो इस बात से जरा एग्री करेंगे और इतना कंट्रोवर्शियल बनाना इतना ये सब कुछ करना सिंपल है एंड मैं भारत को कहां पर देखता हूं और आप कहां पर देखते हैं इंडिया को यूनिटी इन डायवर्सिटी के तौर पर देखा जाता है हमें लैंग्वेज रिलेटेड आइडेंटिटी इंडिया का एक फेडरल पॉलिटी पार्ट भी रहा सेंटर और स्टेट शुड को समझना पड़ेगा कि सेंटर के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा और सेंटर को भी कुछ ऐसे डिसीजन जो लेते हैं वो स्टेट को कंसिडर करना पड़ेगा बिना ऐसे ही बोल देना शायद ये प्रॉब्लम करेगा और कॉपरेटिव मॉडल के साथ चलना पड़ेगा जहां पे लैंग्वेज को बैरियर नहीं ऑब्स्टिकल नहीं लैंग्वेज सीखी जा सकती है और वो हिंदी हो या संस्कृत हो या इंग्लिश लैंग्वेज हो मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या हम लोग कम्युनल वायलेंस की ओर तो नहीं जा रहे और मैं ये चाहता हूं कि अगर आपको याद होगा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई उसके ऊपर क्या हमने फोकस किया तो हमने फोकस किया मदर टंग यानी लैंग्वेज के ऊपर हमारे मैं चाहूंगा कि आप एक बार न्यू एजुकेशन पॉलिसी की लैंग्वेज के ऊपर फोकस करें और कोथारी कमीशन लैंग्वेज के ऊपर क्या बोल रहा है और करेंट सिचुएशन के अंदर हम किस तरीके से लैंग्वेज को एक ऑब्स्टिकल नहीं एक ऐसा वे बना ब्रिज बना सकते हैं टू क्रिएट पीस एंड प्रोस्पेरिटी, रेदर देन मेकिंग एन ऑब्स्टिकल होपफुली आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी का कोथारी कमीशन का और करेंट सिचुएशन में तीनों को मिक्स करेंगे ट्रस्ट मी यू विल बी एबल टू राइट अ वेरी गुड आंसर रेदर देन गोइंग फ्रॉम वन पेज टू एनदर पेज आर मे बी वॉचिंग द टीवी डिबेट यू विल गेट कंफ्यूज रिमेंबर दे डोंट नो द बैकग्राउंड

आप ये ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए और व्हाट्सअप पे अपना नाम ईमेल आईडी और बैच जो आप लेना चाहते हैं ओल्ड और न्यू स्टूडेंट जो भी हैं वो सेंड करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि जल्दी से और आपको फी के रिगार्डिंग कुछ भी पूछना होगा तो आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में जानकारी मिल जाएगी प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने ग्रुप्स के अंदर जो भी फेसबुक या स्टेटस या आप जहां पे भी कर सकते हैं हम वादा करें कि एक अच्छी कम्युनिटी क्रिएट करें इस यूट्यूब चैनल के अंदर एक कॉन्टेंट अथेंटिसिटी लेके आए एक ऐसा चैनल जहां पे आप लोगों को उम्मीद हो कि अगर हम आते हैं तो कुछ ऐसा सीख के जाएं जो हम लोगों को फ्यूचर में काम आए रिमेंबर मेरा एक ही काम है कि वो कंटेंट दिया जाए वो आपको पढ़ाया जाए जो आपसे यूपीएससी से रिलेटेड है एंड ट्रस्ट मीन जो भी वीडियोज आप इस पे यूट्यूब पे देखेंगे आपका कॉन्टेंट जो है वो अथेंटिसिटी के साथ है स्टे सेफ एंड स्टेबल फिर से मिलते हैं एक नई करंट अफेयर क्लास तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा बाय बाय